हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये है डीसी मोटर से। और इसमें दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट मैं ला चुका हूँ और ये सेकंड पार्ट है। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और ये आपका जो चैप्टर है इसका, डीसी मोटर का, पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों इससे। और इसके बाद जो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन होंगे इसी चैप्टर से, वो क्या है, इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो देखते रहिए पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आपको यदि वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और यदि कोई दिक्कत हो, कोई कमेंट हो, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब कोई भी सजेशन हो या कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं, इंकरेज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इन डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सस्टेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज? स्लिप रिंग, कम्यूटेटर, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। दोस्तों, आंसर इज फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को क्या करना होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर को इसमें राइज करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग लो लॉ एंड रूल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी मोटर? लेंज लॉ, फराडेज लॉ, कूलम लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आंसर इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डीसी के लिए क्या है करते हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एसी मोटर के लिए राइट हैंड रूल। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग लोड नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन द रेटेड टॉर्क? ब्लोअर्स, कन्वेयर्स, एयर कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। आंसर इज कन्वेयर्स। क्वेश्चन नंबर 35। द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी मोटर इज जनरली लो, अराउंड 500 ओम, 1000 ओम, इनफाइनाइटली लार्ज। तो आंसर इज लो। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है डीसी मोटर का, वो कैसा होता है, लो होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। द स्पीड ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट, प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। आंसर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। क्वेश्चन नंबर 37। इन अ डीसी सीरीज मोटर इफ द आर्मेचर करंट इज रिड्यूस बाय 50%, द टॉर्क ऑफ द मोटर विल बी इक्वल टू 100% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, 50% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, 25% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, 10% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, या नन ऑफ द अबव। आंसर इज 25% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 38। द करेंट ड्रॉन बाई द आर्मेचर ऑफ डी सी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क रिक्वायर्ड, द स्पीड ऑफ द मोटर, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, नन ऑफ द अबव। आंसर इज द स्पीड ऑफ द मोटर, द स्पीड ऑफ द मोटर। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेंट ड्रॉन बाई द आर्मेचर ऑफ डी सी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोस्तों द टॉर्क रिक्वायर्ड। आंसर क्या सही होगा इसका, द टॉर्क रिक्वायर्ड, टॉर्क के प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 39। द पावर मेंशन्ड ऑन द नेम प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इंडिकेट्स द पावर ड्रॉन इन किलोवाट, द पावर ड्रॉन इन केवीए, द ग्रॉस पावर, द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। आंसर इज द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 40। विच डी सी मोटर हैज गॉट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी? सीरीज मोटर, शंट मोटर, क्यूम्युलेटिवली कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। आंसर इज डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 41। विच डी सी मोटर विल बी सुटेबल अलॉन्ग विथ फ्लाई व्हील फॉर इंटरमिटेंट लाइट एंड हैवी लोड्स? सीरीज मोटर, शंट मोटर,
cumulatively compound motor, differentially compound motor. Answer is cumulatively compound motor. Question number 42. If a DC shunt motor is working at no load and if shunt field circuit suddenly opens, nothing will happen to the motor. This will make armature to take heavy current, possibly burning it. This will result in excessive speed, possibly destroying armature due to excessive centrifugal stress. तो दोस्तों आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा इसका. जब भी डीसी शंट मोटर को क्या है, लोड हट जाएगा, जैसे नो लोड पर वर्क करेंगे और फील्ड क्या हो दोस्तों, अचानक से ओपन हो जाए, तो क्या बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी इसकी, उसके थ्रू क्या जो सेंट्रल फोर्स से क्या हो जाएगा, इसका आर्मेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43. डीसी सीरीज मोटर आर यूज्ड वेयर लोड इज कॉन्स्टेंट, वेयर लोड चेंज फ्रिक्वेंटली, वेयर कॉन्स्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड इज नीडेड. ऑप्शन डी इन नन ऑफ द अबव सिचुएशन. ऑप्शन डी क्या है, सही है, क्योंकि दोस्तों सीरीज मोटर कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पर टॉर्क क्या है, हाई हो. क्वेश्चन नंबर 44. फॉर द सेम एचपी रेटिंग एंड फुल लोड स्पीड फॉलोइंग मोटर हैज पुअर स्टार्टिंग टॉर्क. शंट, सीरीज, differentially compounded, cumulatively compounded. Answer is differentially compounded motor. Question number 45. In case of conductively compensated DC series motor, the compensating winding is provided as separately wound unit in parallel with armature winding, in series with armature winding, in parallel with field winding. Answer is in series with armature winding. Question number 46. Sparking at the commutator of a DC motor may result in damage to the commutator segment, damage to the commutator insulation, increased power consumption, all of the above. Answer is all of the above. Question number 47. Which of the following motor is preferred for operation in highly explosive atmosphere? Series motor, shunt motor, air motor, battery operated motor. Answer is air motor. Question number 48. If the supply voltage for a DC motor is increased, which of the following will decrease? Starting torque, operating speed, full load current, all of the above. Answer is full load current. Question number 49. Which one of the following is not the function of pole saw in a DC machine? To reduce eddy current losses, to support the field coil, to spread out flux for better uniformity, to reduce the reluctance of the magnetic path. Answer is to reduce eddy current loss. Question number 50. The mechanical power developed by a shunt motor will be maximum when the ratio of back EMF to the applied voltage is 4.0, 2.0, 1.0, 0.5. Answer is 0.5. Question number 51. The condition for maximum power in case of DC motor is, the condition of maximum power for the condition of for maximum power in case of DC motor is back EMF equal to 2 into supply voltage, back EMF equal to supply voltage equal to back EMF. Answer is ऑप्शन बी. एक मिनट दोस्तों, इसमें जो बी दिया गया वो क्या है, गलत है. इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है सही. क्वेश्चन नंबर 52. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन आ डीसी मोटर इज प्रेफर्ड ओवर एन एसी मोटर. लो स्पीड ऑपरेशन, हाई स्पीड ऑपरेशन, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, फिक्स्ड स्पीड ऑपरेशन. आंसर इज वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन. क्वेश्चन नंबर 53. इन डीसी मशीन्स द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2-3%, 10-15%, 20-25%, 50-75%. आंसर इज 2-10, 3%. क्वेश्चन नंबर 54.
Which DC motor is generally preferred for cranes and hoist? Series motor, shunt motor, cumulatively compound motor, differentially compound motor. Answer is series motor. Question number 55. 3-point starter can be used for series motor only, shunt motor only, compound motor only, both shunt and compound motor. Answer is both shunt and compound motor. Question number 56. Sparking is discouraged in a DC motor because it increases the input power consumption. Commutator gets damaged, both A and B. None of the above. Answer is commutator gets damaged. Question number 57. Speed control by Wald-Leonard method gives uniform speed variation in one direction, in both directions, below normal speed only, above normal speed only. Answer is in both directions. Question number 58. Flywheel is used in DC compound motor to reduce peak demand by the motor. Compound motor will have to be level compound motor, under compound motor, for cumulative compound motor, for differentially compound motor. Answer is cumulatively compound motor. Question number 59. Following motor is used where high starting torque and wide speed range control is required. Single phase capacitor start, induction motor, synchronous motor, DC motor. None of the above. Answer is DC motor. Question number 60. In a differentially compounded DC motor, if shunt field suddenly opens, the motor will first stop and then run in opposite direction as a series motor. The motor will work as a series motor and run at slow speed in the same direction. The motor will work as series motor and run at high speed in same direction. The motor will not work and come to stop. The answer is option A. The motor will first stop and then run in opposite direction as a series motor. Question number 61. Which of the following motor has the poorest speed regulation? Shunt motor, series motor, differentially compound motor, cumulative compound motor. Answer is series motor. Question number 62. Buses, train, trolleys, hoist, cranes requires high starting torque and therefore make use of DC series motor, DC shunt motor, induction motor, all of the above motors. Answer is DC series motor. 63 question. As the load is increased, the speed of DC shunt motor will reduce slightly, increase proportionally, remains unchanged. Answer is, दोस्तों वैसे तो unchanged होती है लेकिन थोड़ा बहुत कम होती है तो reduce slightly answer क्या सही होगी. Constant speed होती है लेकिन DC shunt motor speed कैसे constant होती है लेकिन थोड़ा बहुत slightly या reduce हो जाएगी. The armature torque of the shunt motor is proportional to field flux only, armature current only, both A and B, none of the above. Answer is armature current only. Question number 65. Which of the following method of speed control of DC machine will offer minimum efficiency? Voltage control method, field control method, armature control method, all of the above method. Answer is armature control method. दोस्तों ये थे टोटल 65 क्वेश्चन और इस वीडियो में 35 क्वेश्चन कवर हुए हैं दोस्तों, और इससे आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो गया है जो डीसी मोटर का है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि कोई कमी हो तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप कमेंट करके इनक्रेज भी कर सकते हैं. और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.